देख रोमन देख, आज जो ये हाल तेरे भाई का किया है वही हाल बहुत जल्द मैं तेरा भी करने वाला हूँ। और गाइस, रॉक ने WWE में आने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि वे रोमन रेंस के सामने कुछ भी नहीं है। रोमन रेंस को फेस कर पाना उनकी बस की बात नहीं है। एंड गाइस, WWE के फीनाम हमारे द डेड मैन अंडरटेकर का रिटर्न कंफर्म हो गया है। और गाइस, अंडरटेकर एंड अंकल हाउडी हमें फेस टू फेस देखने को मिल सकते हैं। तो हे गाइस, इंट्रो से आप लोगों को पता चल चुका होगा। लिटरली गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज गाइस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो के एंड में जाके अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो सच में काफी अच्छी थी, तो प्लीज गाइस, आप लोग WWE की ऐसी अपडेट फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप ही लोगों के इस प्यारे से चैनल RK रेसलिंग ब्रो को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर गाइस, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं रॉक के रिटर्न के एक बड़े अपडेट से। तो गाइस, अब रॉयल रंबल को होने में बस कुछ ही दिन बच गए हैं। WWE का ये बड़ा इवेंट काफी पास आ चुका है। अगर फैंस इस रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है तो वो है गाइस, रॉक को WWE में वापस से देखना। और गाइस, हम सभी जानते हैं कि ये चीज हैवली फेवरेट है कि रॉक का रिटर्न रॉयल रंबल में होगा। लेकिन गाइस, अभी न्यूज कुछ ये आ रही है कि रॉक ने अपने रिटर्न को लेके काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है। रॉक का कहना है कि ही कुड गेट इनटू रिंग से बाय द टाइम ही नीडेड टू बी। यानी गाइस, रॉक ने यहाँ ये कहा है कि उन्हें ये नहीं लगता है कि वो रसलमीनिया 39 में रोमन रेंस के साथ अपने मैच के लिए इतनी जल्दी एक बेस्ट शेप में आ सकते हैं। अब गाइस, आप लोग का कहना होगा कि यार, रॉक तो हमेशा एक कमाल के शेप में ही रहता है, बंदे की क्या कमाल की बॉडी है। लेकिन गाइस, रियलिटी तो ये है कि एक अच्छा बॉडी शॉडी होना और WWE के रिंग में रेसलिंग कर पाना, इन दोनों में गाइस काफी डिफरेंस है। रॉक ने कितने सालों से रिंग में रेसलिंग नहीं की है और WWE में आने के बाद उन्हें उस सुपरस्टार से फाइट करना है जो अभी WWE कंपनी का नंबर वन सुपरस्टार है, जो सुपरस्टार पूरे 2 सालों से किसी मैच में पिन नहीं हुआ है। ऐसे में गाइस, रॉक का कहना बिल्कुल सही है, उन्हें वापस से WWE रिंग में अपने पहले वाले फॉर्म में आने में टाइम तो लगेगा ही। नहीं तो गाइस, अगर वे WWE में इसी साल वापस आ जाते हैं तो ये ऑब्वियस है कि रसलमीनिया में उनका मैच रोमन के साथ होगा ही। लेकिन गाइस, रसलमीनिया में रोमन को हरा देना, ये तो गाइस मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। और गाइस, जहाँ तक रॉक के वापस आने की बात है, ये तो मान लो कि गाइस रॉक रॉयल रंबल में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यार वे अगर इस साल नहीं आते हैं तो फिर गाइस आगे शायद ही फैंस को रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा। क्योंकि अगले साल तक रोमन के पास चैंपियनशिप रहेगी या फिर नहीं, इस बारे में गाइस कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चैंपियनशिप जाते ही रोमन का ट्रैवल चीप वाला कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद WWE ने पहले की तरह एक बेबी फेस सुपरस्टार बना देंगे। फिर गाइस, रॉक वर्सेस रोमन रेंस के होने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन गाइस, फैंस को ये पूरा यकीन है कि रॉक इस साल WWE वापस जरूर आएंगे और रसलमीनिया 39 उन्हें रॉक वर्सेस रोमन रेंस देखने को जरूर मिलेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस, लास्ट मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था कि WWE ने ये अनाउंस किया था कि रॉ के 30th एनिवर्सरी पर, जो कि कल होने वाला है, वहाँ ब्लड लाइन की एक एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली है, जहाँ इस सेरेमनी में समुअन डायनेस्टी के हर जनरेशन के सुपरस्टार जैसे कि रोमन रेंस के डैड सीका, उसोस और सोलो सिकोवा के डैड रिकिसी और भी समुअन डायनेस्टी के बड़े बुजुर्ग होंगे, जो कि ट्राइबल चीफ और ब्लड लाइन के WWE के सक्सेस को एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन गाइस, लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में सैमी ज़ेन ने जो कांड किया, जब गाइस केविन ओवन रोमन रेंस, उसोस और सोलो सिकोवा को मार रहे थे, तब गाइस सैमी ज़ेन कहां थे, क्यों वो रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए नहीं आए, जिस वजह से गाइस WWE ने एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी को कैंसिल कर ट्रायल ऑफ सैमी के नाम से एक सेगमेंट को अनाउंस कर दिया है। अब गाइस, बेसिकली सेगमेंट में होने वाला कुछ ये है कि ब्लड लाइन सैमी ज़ेन को एक कटघरे में खड़ा करेंगे और यहाँ उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। रोमन रेंस यहाँ पे जज बने होंगे और गाइस एंड में सैमी के दोषी साबित होने पे ट्राइबल चीफ उन्हें सजा देंगे या फिर सजाए मौत देंगे। तो चलिए फिर गाइस, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। गाइस, कल होने वाला मंडे नाइट रॉ WWE के लेजेंड से भरा होगा। यहाँ आप लोगों को WWE के काफी सारे लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ सबसे बड़े नेम ये हैं: हल्क होगन, शॉन माइकल, ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर एंड अंडरटेकर। और गाइस, कल के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ये बताया जा रहा है कि कल फैंस को अंकल हाउडी अंडरटेकर का फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। वैसे गाइस, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि अंडरटेकर ने काफी पहले ही WWE से रिटायरमेंट ले ली है। अब ऐसे में गाइस, अगर ये रूमर आ रही है और ये सच होता है तो लिटरली काफी मजा आएगा।
तो गाइस अब बात करते हैं कल WWE के 30th एनिवर्सरी पर होने वाले काफी बड़े मैच के बारे में। तो गाइस ये मैच उसोस वर्सेस द जजमेंट डे के बीच होगा फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। और गाइस इस मैच में ये काफी ज्यादा चांस है कि कल फाइनली WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप और स्मैकडाउन चैंपियनशिप को अलग अलग कर देंगे। उसोस हार जाएंगे अपने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को अगेंस्ट द जजमेंट डे। और गाइस यहाँ अगर उसोस के हारने में किसी का सबसे बड़ा हाथ होगा तो वो होगी गाइस रिया रिपली। और गाइस डोमिनिक और डेमियन प्रीस्ट के रॉ टैग टीम चैंपियन बनने के बाद क्या इसके बाद फिन बैलर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज के पीछे जाने वाले हैं? फिन बैलर को देख के तो गाइस कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि गाइस अभी फिन बैलर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस पिक्चर को पोस्ट कर ये टीज किया है कि उन्हें रोमन रेंज के साथ एक रीमैच चाहिए, क्योंकि फिन बैलर अभी भी ये मानते हैं कि रोमन के साथ उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो गाइस और कल के मंडे नाइट रॉ में आप लोगों को ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच US चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा और बैकी लिंच वर्सेस बेली के बीच एक स्टील केस मैच देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर गाइस आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। गाइस अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।